आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। लाभ के पद मामले में पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली अधिसूचना को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अधिसूचना जारी गई थी वो कानूनी रूप से सही नहीं है, उसमें कुछ खामियां बताईं, और इसके अलावा मामले को दोबारा अब चुनाव आयोग के पाले में हाईकोर्ट ने डाल दिया है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि इस फैसले के बाद लोकतंत्र में अब भरोसा और बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस तरह के फैसले सुनाने से पहले 10 बार सोचेगा। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव से जब पूछा गया कि 2019 के चुनाव में क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, तो उन्होंने कहा कि भले ही विपक्ष को एकजुट होने में टाइम लग सकता है, लेकिन 2019 के चुनाव में जनता पीएम मोदी को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। शरद यादव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है द क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया ने। पूरी बातचीत इंटरव्यू देखने और पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए क्विंट हिंदी। पक्का ये नहीं रहेंगे। जो देश का चित्र मैं देखता हूँ, जो सब लोगों से मेरी बात होती है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा विश्वास ऐसे जमीन पे है जो घूम करके मैं महसूस करता हूं कि ये जाएंगे, वो कुछ भी कर ले, जनता से कोई नहीं जीतता। देश भर में कानून का राज है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन इसी समाज में रहने वाले कुछ लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक महिला को जब पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया और उस महिला को सरेआम पीटने का आदेश दे डाला। दरअसल मामला है यूपी के बुलंदशहर का, जहां पे एक पति को अपनी पत्नी पर शक था कि उसके किसी और के साथ भी संबंध है। इस मामले को लेकर वो पंचायत के पास पहुंचा, जहां पंचायत ने उसे सरेआम पीटने का फरमान सुना दिया। इसके बाद पति ने उसे पेड़ से बांध कर सरेआम पीटा। ये भी 21वीं सदी के भारत की एक शर्मनाक तस्वीर है। INX मीडिया भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी है। उन्हें 10 लाख के मुचलके पर छोड़ा गया। हालांकि कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार की तरफ से शुरू किए गए जनधन अकाउंट्स में से 6 करोड़ से ज्यादा ऐसे अकाउंट हैं जिनमें अब लेन देन नहीं हो रहा है, जबकि 59 लाख ऐसे भी अकाउंट हैं जो अब बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2017 तक देश में 31 करोड़ 20 लाख जनधन अकाउंट खोले गए थे। राज्यसभा चुनाव के लिए सबकी नजरें यूपी की ओर टिकी हुई थी। इसे लेकर राज्य में आज चुनाव हुए और कुल 403 वोट में से 400 वोट राज्यसभा चुनाव के लिए डाले गए। पूरी जानकारी और नतीजों को जानने के लिए लॉगिन कीजिए क्विंट हिंदी।